सब्सक्राइब कीजिए रेसिपी विद क्रेजी सीमा को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, इससे इस चैनल की इजी और टेस्टी रेसिपी का मैसेज सबसे पहले आपके पास आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में मार्केट में बहुत तरह की सब्जियां अवेलेबल होती हैं, तो इसीलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल नूडल सूप। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये और बहुत ही ईजी भी है। तो चलिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। इस सूप में आप किसी भी तरह की वेजिटेबल का यूज कर सकते हैं अपनी चॉइस की। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, गैस पर हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें एक टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल ऑयल का यूज किया है, इसकी जगह पर आप बटर का यूज भी कर सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे चॉप्ड अनियन। एक कप चॉप्ड अनियन मैंने इसमें डाला है, बारीक कटा हुआ प्याज, और इसके साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक कद्दूकस की हुई लगभग एक टीस्पून, और दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, डाल दिया इसको, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम, और थोड़ा सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है ताकि इसका क्रंच ना जाए, बस इसे थोड़ा सा भून लेना है। तो ये डन है। तो अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स, आप इसमें अपने चॉइस के वेजिटेबल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया है फ्रेंच बीन्स बारीक कटी हुई, गाजर ऐसे लंबे शेप में कटी हुई, और कद्दूकस की हुई पत्ता गोभी यानी कैबेज। तो ये तीनों सब्जियाँ मैंने इसमें ऐड कर दी। अब अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। गैस को हम तेज़ ही रखेंगे, धीमा नहीं करेंगे। सब्जियों को हमें पकाना है, बट उतना नहीं पकाना है कि ये गल जाए, थोड़ा थोड़ा से हम कुक करेंगे ताकि इसका क्रंच भी बना रहे और इस पर कच्चापन भी ना रहे। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से, और इसके बाद हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। तो लगभग 4 कटोरी पानी इतने सूप में हमें मिलाना है। ये देखिए 2 कटोरी मैंने डाला, तो सूप हमारा काफ़ी गाढ़ा है, और इसमें अभी हमें नूडल भी डालना है, तो इसमें 2 कटोरी पानी अभी और ऐड होगा। तो ये 4 कटोरी पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया, और उसके बाद नूडल डाल दिया। अच्छी तरह से नूडल को भी हमने मिक्स कर लिया है, और उसके बाद हमें ऐड करना है इसमें सोया सॉस। तो ये एक टीस्पून सोया सॉस मैंने इसमें ऐड किया, और उसके बाद में इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला। आप चाहें तो इस चाट मसाले की जगह पर काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चाट मसाला डाला है। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे, और हमारा वेजिटेबल सूप बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बहुत ही हेल्दी होता है ये। तो आप इसे घर में बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, और अगर आपको